छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गांधी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर गांधी चौक पर शहीदों को नमन कर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष अनिल ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शहीदों की शहादत पर नारेबाजी करके नक्सलवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है और नक्सलियों से सख्ती से निपटने की मांग सरकार से की गई है। साथ ही सरकार से मांग की है कि नक्सली विचारधारा को पनपने ना दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में देश को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों की विचारधारा से चलाए जा रहे छात्र संगठनों पर भी नजर रखते हुए कार्रवाई की जाए। तो ये पुष्पांजलि कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के द्वारा गांधी चौक में किया जा रहा है। ये हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले कल हमारे जो हैं जवान 22 जवान जो हैं शहीद हो चुके हैं और ये जो हमला उन पर किया ये उस नक्सलवादी और उस माओवादी विचारधारा के उन अराजक तत्वों ने किया, जिनसे इस देश का इतिहास रहा है। इस देश ने कदम कदम पर इस नक्सली विचार के साथ लड़ा है और ये जो शहादत अपने इस देश के इस माँ भारती के वीर इन 22 जवानों की हुई है कि उसी विचारधारा उस नक्सलवादी उस विचार का परिणाम है कि आज हमारे जो हैं 22 जवान शहीद हुए हैं। ये नक्सलवादी ये माओवादी उसी चीनी विचारधारा के हैं। इनके जो अपने आप को एक पूरे विश्व में अपना एक आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, इसी विचारधारा के कारण आज हम देखते हैं हमारे 22 जवान जो हैं शहीद हो गए। भारत के अंदर इन्हीं विचारधाराओं को समर्थन करने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं। आज पूरे देश का युवा जो है जाग चुका है। अब इन नक्सलवादियों को सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि आज पूरे प्रदेश पूरे देश का युवा जो है जाग चुका है। तो सभी अभिभावकों से भी विद्यार्थी परिषद निवेदन करती है कि इनके जैसे इनकी विचारधारा से चलाए गए छात्र संगठन जो कि पूरे भारतवर्ष के शिक्षण संस्थानों पे हैं, तो वे उनसे भी निवेदन विद्यार्थी परिषद करती है उनके अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि उनके बच्चे कहीं इन माओवादियों के चंगुल में तो नहीं फंसे हैं, इन लोगों का मीठा जहर जो है उनको शिक्षण संस्थानों में तो नहीं परोसा जा रहा है। ये भी विद्यार्थी परिषद आग्रह करती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस नक्सली विचार को इस हिंदुस्तान से उखाड़ने का प्रयास करें और विद्यार्थी परिषद के साथ सहयोग करें।